YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे व्यूवर्स में से 76% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 25% सब्सक्राइबर्स ने ही बेल आइकन को प्रेस किया है। हम तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुँच सके। मोमिन कराम, गंदम का सीज़न है, सवालात आ रहे थे कि ज़कात किस तरह निकालनी है। खुम्स और ज़कात की वीडियो में सरसरी तौर पर जिक्र किया था कि ये जो जेवर ख़वातीन के पास हैं इन पर ज़कात वाजिब नहीं है, हमारे पास जो माल बचता है माल होता है उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं है, उस पर खुम्स वाजिब है ज़कात वाजिब नहीं है। खुम्स की हम डिटेल बता चुके हैं तफसीली तौर पर, जो मोमिनीन अल्हम्दुलिल्लाह खुम्स निकालते हैं हमें पता चलता है, हमारे ज़रिए मराज तक पहुँचाते हैं, खुशी होती है, दुआ देते हैं कि अपना फ़रीज़ा अदा करें। खुम्स के मसाइल हम काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ज़कात के बारे में बताने जा रहे हैं कि ज़कात किन चीज़ों पर वाजिब होती है। ज़कात मवेशियों पर, सोना चांदी पर और गल्लात पर वाजिब होती है, लेकिन मवेशियों पर ज़कात आजकल वाजिब नहीं होती। उसकी एक अहम तरीन शर्त मिस हो गई है, फाकिद हो गई है कि सारा साल मवेशी किसी के माल से ना चरें, ना अपने मालिक से, ना किसी के, खुदा की ज़मीन पर वो अपना चारा ढूंढें और चरती रहें, तो ये शर्त तकरीबन फाकिद हो गई है। इसी तरह सोना और चांदी में, सोना और चांदी यानी कि सिक्का राइजुल वक्त जो होता था, सिक्के के साथ लेन देन होता था, उन सिक्कों पर जाके ज़कात वाजिब होती थी। आजकल सिक्कों से लेन देन नहीं हो रहा, ये जो सिक्के अगर हैं भी सही सोने चांदी के तो ये लेन देन के लिए नहीं है, वैसे रखने के लिए, तो इन पर भी ज़कात वाजिब नहीं है। बाकी बच जाते हैं गल्लात। गल्लात चार हैं, गंदम, जौ, खजूर और किशमिश। ये जब खुश्क हो जाएं, खजूर ताज़ा है या अंगूर है, इस पर भी ज़कात वाजिब नहीं है। जब ये खुश्क हो जाएं, किशमिश या खुश्क खजूर बन जाएं, जिस तरह छुहारा वगैरह या जो भी नाम लिया जाता है, खुश्क खजूर की मुख्तलिफ किस्में हैं, तो उस पर जाके अगर वो एक मकदार है उस तक पहुँचते हैं तब जाके खुम्स वाजिब होता है। ये हम तफसीलात जिक्र करने जा रहे हैं। ज़कात ऊँट, गाय, बकरी, सोना, चांदी पर वाजिब थी, अब जो है गल्लात अरबा पर मुमकिन है। इन ये शरायत क्योंकि फाकिद होती नज़र आ रही हैं और मुश्किल है कि कहीं ये मौजूद हों। गल्लात अरबा हैं गंदम, जौ, खजूर, किशमिश। अगर ये 847 किलो बन जाती है, मकदार गंदम की, जौ की, ये जो है ना साफ़ होने के बाद, गंदम भी जौ भी या खुश्क होने के बाद किशमिश और खजूर, 847 किलो यानी 21 मन 7 किलो तकरीबन अगर बन जाते हैं तो इस पर ज़कात वाजिब है। ये मकदार वो है कि जिसके बाद आपके पास जितना भी मकदार होगी सब का आपने परसेंटेज के मुताबिक ज़कात निकालनी है। मुफ्त पानी से अगर आपने सैराब किया है ज़मीन को तो आपने 10% ज़कात निकालनी है। अगर आपने अपने पानी से, पैसों के पानी से सैराब किया है तो आपने 5% ज़कात निकालनी है। यानी कि अगर आपने खुदाई पानी से, मतलब ये है कि कुदरती पानी जो आपने अपनी मेहनत से ज़मीन से नहीं निकाला, वो भी कुदरती पानी है, लेकिन यह है कि मुफ्त का पानी और पैसों का पानी, यानी नहर, दरिया, बारिश, ज़मीन में नमी थी इस वजह से फसल तैयार हो गई है, तो आपने 10% खुम्स, माजरा चाहता हूँ, ज़कात निकालनी है। यानी कि अगर आपके पास 100 मन बन गई है फसल तो आपने 10 मन उसकी ज़कात निकालनी है। ये वो है कि जो कुदरती पानी से यानी मुफ्त के पानी से आपकी फसल तैयार हुई है। आपने डिग्गी चलाई, इंजन चलाया, जो ट्यूबवेल चलाया, जो जो मुख्तलिफ नाम हैं इनके, डीजल आपका खर्च हुआ, बाकी चीज़ें, और इस वजह से सैराब हुई ज़मीनें, उसके बाद जो आपको की जो है फसल तैयार हुई तो उसमें आपने 20वां हिस्सा यानी कि 5% आपने उसमें से 5% आपने ज़कात निकालनी है। 100 मन अगर आपके पास तैयार हो गई है, फसल निकली है, 100 मन है, तो उसका आपने 5% देना, यानी 5 मन आपने ज़कात निकालनी है। 5% उसके लिए है जो अपने पैसों से सैराब करता है, 10% उसके लिए है जो कुदरती पानी से और मुफ्त के पानी से सैराब करता है। ये परसेंटेज थी, वाजे करना ज़रूरी था। अब एक सवाल पैदा होता है कि बाज़ दफ़ा हमने नहर का पानी दिया है, कुदरती पानी से तैयार हुई है, और उसमें हमने बारिशें रुक गई, नहर का पानी खुश्क हो गया, तो हमने अपना इंजन भी चलाया है, अपने पैसों से हमने भी पानी दिया है, तो अगर वो मकदार बराबर थी तो आपने 7.5% यानी 100 मन ज़कात बनती थी, तो 7.5 मन आपने ज़कात देनी है। यहाँ एक इश्काल किया जाता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, गरीब हैं, किसान हैं, या इस तरह के सवालात करते हैं कि हम इतनी ज़कात निकाल दें, तो ये एक चीज़ ज़हन में होनी चाहिए कि जब
ہمارے بارہویں امام تشریف لائیں گے سرکار حجت سرکار قائم اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف، تو اس وقت صدقہ خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، زمین اپنے جو ہیں نعمتیں جو ہیں اللہ نے اس میں چھپائی ہوئی وہ اگل دے گی، کوئی بندہ محتاج نہیں رہے گا، تو اس وقت انسان کو قدر ہوگی کہ میں اتنا ذخیرہ کرتا رہا ہوں، لوگوں کا حق کھاتا رہا ہوں، کسی کا حق پہنچاتا نہیں رہا ہوں، میرے پاس آتے تھے لوگ میں کسی کو کچھ نہیں دیتا تھا، آج یہ مال میرے پاس فارغ پڑا ہے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو آج وہی موقع ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے دے دیں جو خدا نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے، خمس ہو زکوٰۃ ہو جو حقوق ہیں، اگر وہ دیں گے تو پھر برکت پڑے گی، نہیں دیں گے تو پھر سیلاب بھی آ سکتا ہے، بارشیں اتنی تیز آ سکتے ہیں، پھر ہم قدرتی آفت کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ اگر پھر بھی قدرتی آفت آ جائے گی آپ کا امتحان ہوگا، لیکن آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا۔ تو وہ حقوق ادا کرنے چاہیے جو ہمارے اوپر خصوصاً انسانوں کے ہیں، مومنین کے۔ تو یہ جو زکوٰۃ نکلے گی آپ نے کس کو دینی ہے؟ یہ مومن مستحق، جو مومن ہو اس نعشری ہو اور مستحق ہو، جس کے پاس اپنے گھر کے اخراجات چاہے وہ قوت نہیں رکھتا یا کما نہیں سکتا، جیسے آج کل سچویشن بنی ہوئی ہے، تو وہ آپ اس مومن کو دے سکتے ہیں جس کے پاس گھر کے اخراجات نہیں ہیں، اس کی ضرورت کے مطابق آپ اس کو گندم بھی دے سکتے ہیں، پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ مستحق فقیر و مسکین ہیں، بدلے میں آپ رقم بھی دے سکتے ہیں۔ خرچ نکالنے سے پہلے زکوٰۃ دیں گے، وہی جس طرح ذکر کر چکا ہوں کہ زکوٰۃ نکالنے میں یا خمس نکالنے میں ہچکچاہٹ نہیں آنی چاہیے کہ یہ ہمارا مال ہے، یہ وہ مال ہے جو ہمارا اس وجہ سے ہوا ہے کہ خداوند کریم نے ہمیں دیا ہے، یہ ہمارا، ہم نے کمایا، اس کمانے کی طاقت کس نے دی ہے؟ جو ہمارے پاس کچھ ہیں اسباب جس سے ہم پیسے کما لیتے ہیں، یہ اسباب ہمیں خدا مہیا نہ کرتا، ہمارے اندر اتنی طاقت نہ ڈالتا، ہمارے جسم میں اتنا زور نہ ڈالتا، تو ہم کہاں سے کماتے؟ تو وہ اس خدا نے جو دیا ہے، تو اس کی خاطر اگر خرچ کریں گے، ہزاروں سینکڑوں روایات احادیث موجود ہیں، تو پھر اس مال میں بے تحاشا برکت پھیلتی ہے۔ تو آپ اخراجات نکالنے سے بھی پہلے آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے، جو ہی آپ کی گندم تیار ہوئی، کٹ گئی، صاف ستھری ہو گئی، آپ پہلے زکوٰۃ نکالیں، اور اس زکوٰۃ نکالنے کے بعد آپ گھر کے لیے رکھیں، مستاجری ادا کریں، جو کرنا چاہتے ہیں کریں۔ یہ تھے زکوٰۃ کے احکامات، جو اگر کوئی چیز مس ہو گئی ہے تو مومنین کمنٹس کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ دعا گو ہوں اور آپ سے بھی ملتمس ہوں، مجھے میرے بچوں کو اور والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے انڈیپینڈنٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کامنٹس میں ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے، کیونکہ اس سے ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی۔